madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence. It's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring. To feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई के कोटलोवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पुणे घोरपड़ी गांव में और हमारे साथ है मोहम्मद इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। इरफान भाई, हमारे काफ़ी व्यूअर्स तो आपको जानते ही होंगे, फिर भी हमारा हमारे चैनल पर आपका वीडियो पहली दफ़ा आ रहा है। हाँ भाई, तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ भाई, बोलिए ना, आपके फार्म का नाम क्या है और आप कितने साल से शौक कर रहे हैं? भाई वैसे तो बचपन से शौक है अपने को, लेकिन ये जो बड़े बकरे अपन रख रहे हैं उसको करीब हो गए 12-13 साल तो हो गए भाई अपने को जी। और अपना जो ऐसा फार्म नहीं है भाई, अपन शौकीन आदमी है और टेरिस पे पालते हैं अपन, तो आलीशान गोट्स करके अपन ने इसका नाम रखे है। 2019 में अपना एक बकरा फेमस हुआ था आलीशान करके जी, तो उसके नाम पे अपन ने भाई ये अपना गोट्स करके अपने उसको आगे एक नाम दे दिया। तो आप फार्म नहीं चला रहे, आप सिर्फ आपका शौक करते हैं? शौक करते भाई, और काफी अच्छा शौक करते हैं आप। हाँ, क्योंकि हाँ, हमारे व्यूअर ने स्लो मोशन में देख लिए होंगे। हाँ, हाँ, और इतने नायाब नायाब बकरे मैं देख के खुद इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है भाई जी। और काफी अच्छे अच्छे कलर पैटर्न में खूबसूरत, और जो रूबाब रहता है कोटा का वो सारा दिख रहा है आपके जो बकरे हैं उनमें भाई। शुक्रिया। तो आपके साथ में कौन कौन है, इनका इंट्रोड्यूस करा दीजिए पहले। भाई ये हमारे पठान भाई है जी, ये हमारे खास दोस्त है जी, जो हमारे साथ में रहते हैं हमेशा जी। और ये हमारे रहीम भाई है जी,
और ये जो यहाँ पे अपने एक ये गार्डन के यानी समझो ओनर ही है समझो, और अपने खास दोस्त है, और इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जी। हमारे भी थोड़ा साथ दिया भाई ने हमारे जी, बहुत अच्छे इंसान है अल्लाह के करम से। और ये है देखो भाई, सबसे पहला मेन शूटर में से है अपने एक, इसका नाम है शाहिद, शाहिद भाई हाँ। और ये बकरे का नाम है मवाली। अच्छा मवाली नाम है आपने इसका? मवाली नाम है भाई, बहुत गुंडे टाइप का बकरा है और बहुत गर्म है जी भाई, काफी गर्म बकरा तो है। वो हिसाब से भाई इसका नाम मैंने रखा हूँ उसको मवाली। ये बकरा कब परचेस किया था आपने भाई? ये बकरे अपने पास में तकरीबन 6-7 महीने के करीब हो गए भाई, 6-7 महीने हाँ। और बकरे सब अपने पास में 70-70 के आसपास आए थे, 70 किलो। तो ये जो हम अभी बकरे दिखाने वाले, ये सारे भराई के बकरे ना? हाँ भाई, ऑलमोस्ट भराई के है। उसमें एक बकरे दो बकरे ऐसे जो मुंह से खाके भी हाँ। काफी अच्छे बने हैं, वो दिखा देंगे हम व्यूअर को। मैं भराई बोले तो अपना कैसा रहता है, सीमी भराई है हाँ। यानी कि सीमी भराई लोगों को ज्यादातर समझ में नहीं आएगा जी। बकरा जो अपने मुँह से जितना खा लेता है जी, अपना एक बजट रहता है, अपन जो हिसाब से डालते बकरे को दाना या चारा जो भी है, तो वो जितना अपने हिसाब से खा लेता है उसको खाने देते जी, और जो बचता है उसको अपन भर देते। ओके ओके हाँ। तो ये बकरे की बात करते हैं, क्या नाम बोले इसका आपने? इसका मवाली नाम रखे है हाँ। काफी और ये भाई ने तैयार करे है, शाहिद भाई के हाथ पे तैयार हुआ ये, शाहिद भाई ने तैयार किया हाँ, हाँ। जी वो तो जिसने बकरा तैयार किया उन्होंने पकड़ा है बकरा भाई जी। तो ये बकरा क्या वेट पे और डिटेल क्या इसकी भाई? अभी ये बकरा रहेगा इंशाल्लाह 120-125 किलो जी हाँ। और अपने पास में जब ये आया था जी, 70 किलो पे आया था और 6 दांत पे था, अभी 8 दांत किया है बकरे ने जी हाँ। 120-125 किलो पे रहेगा इंशाल्लाह जी। जी भाई, तो ये नायब चीज़ के आप तो प्राइस बताएंगे नहीं शायद? नहीं, प्राइस नहीं बताएंगे भाई, प्राइस सारे बकरों की जितने भी अपने पास में इंशाल्लाह अपन फ़ोन पे बता देंगे। फ़ोन पे बताएंगे भाई, थोड़ा सा चला के दिखाइए ज़रा। हाँ जी, काफ़ी एग्रेसिव है, चलता नहीं है? चलता ना भाई, चलता नहीं, नहीं, वो जबरदस्ती करना पड़ता है उसको। हाँ, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ता है, कैसा अभी बकरे एकदम सब खुल गए ले ना भाई जी, गर्म हो गए तो बकरे गर्म हो जाते हैं। ठीक है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे सामने देख सकते भाई, हर एक बकरे को तुम खोल के वैसे देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी। जी काफी गर्म बकरे आपके, ठीक है। दूसरा बकरा दिखाते अभी आपका, हाँ आ जाओ, ये दिखाते हाँ। ये बकरे की बात करते हैं अभी, और ये भाई ने पकड़े, इनका नाम क्या है? भाई ये मेरा लड़का है। अच्छा, इसका नाम उमेर है, मोहम्मद उमेर हाँ। वैसे तो भाई ये 2-3 बकरे भरता जी हाँ, 2-3 बकरे भरते हैं हाँ, ये 2-3 बकरे भरता भाई। तो ये भी आपके 7 महीने से ये भी बकरा? हाँ, ये सब नॉर्मली दो बकरे 7 महीने से, और 4-5 बकरे जो है जी वो 4-4 महीने से है अपने पास। 4-4 महीने से, तीन चार महीने से। ये बकरे भी काफी खूबसूरत है हाँ, माशाल्लाह पूरा गुलाबी है, देखो ना भाई, खुर भी गुलाबी है, खुर एकदम व्हाइट है, मुंह देखो इसका, कान देखो हाँ, पूरा पिंक में हाँ, पिंक स्किन में है भाई, खुर में ब्लैक व्हाइट आया है, ब्लैक व्हाइट है थोड़ा जी। बकरा बहुत खूबसूरत है, नुकरा बोलते ना, नुकरा टाइप में जी जी जी, ऐसा है। लेंथ वगैरह काफी अच्छी है इसकी हाँ भाई, डिटेल क्या है इसकी हाँ? डिटेल्स भाई ये आएगा हाइट के अंदर करीब करीब 40 तो आना चाहिए भाई मेरे अंदाज से जी, 40 हाँ, लेकिन आप 39 भी पकड़े तो कोई बुरा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह 40 आ जाएगा जी। और वेट में ये भी भाई 100+ है, 100+ है जी। ये भी भराई पे हाँ, ये भी भराई पे भाई जी। तो जैसे कि आप भराई करते हैं बकरे की हाँ, तो एक अंदाजन अनाज कितना उठा लेता है ये बकरा? ये भाई अनाज तो इसको अपन अभी 1.25 किलो के करीब है, स्टार्टिंग में जब लिए थे अपन ने जी, तो 1/2 किलो 1.25 किलो से स्टार्ट करते जी, फिर 1 किलो, उसके बाद भी 1.25 किलो तक जाता भाई इसको। तो दिन में कितने टाइम भरते आप? एक ही टाइम। वो तो उसमें अनाज भी आएगा, पत्ते भी आएंगे, अनाज पत्ता जो भी रहता भाई उसमें, थोड़ा अपना और एक कोई चीज़ है जी, एक दो चीज़ें और रहती वो भी डालते भाई उसके अंदर जी। भाई ये आपको हाँ, दूसरा बकरा दिखा दिया अभी हमने हाँ, हाँ। इसका नाम है जलेबी। जलेबी नाम क्यों रखा है इसका जी? तो नाम तो चलो सोचे ना, अपन ने अचानक रख दिए, उसके जो सिक्के है जी, वो जिस तरीके से घूमेले जी, और वो जो मारने के टाइम पे जो आड़ी घुमाता है ऐसा जी, तो वो हिसाब से अपन ने इसका नाम जलेबी रख दिए जी। भाई काफी खूबसूरत बकरा जलेबी, ठीक है। अभी अब तीसरा बकरा दिखता है आपका, ये हमारे जावेद भाई है। जावेद भाई हाँ, ये देखो ये सेल्फ फीडिंग पे है बकरा, ये सेल्फ फीडिंग पे बकरा हाँ, ये जमुनापारी हंसा में है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबे चौड़े यानी फ्रेम बहुत माशाल्लाह है, फ्रेम काफी बड़ी है इसकी हाँ हाँ भाई। ये भी इंशाल्लाह 110 के आसपास भरेगा भाई, इंशाल्लाह
110 पे काफी अच्छा बना है सेल्फ फीडिंग पे। सेल्फ फीडिंग बिल्कुल भरा नहीं किया आपने? बिल्कुल नहीं भाई, एक रत्ती भर भी भरा ही नहीं है जी। जैसा आपने समझो बड़े जानवर रहते गाय भैंस जी, जैसा उसके सामने डाल देते जी, तो ये भी उसके जरा अपना चरते रहता। इसका बफ वगैरह काफी अच्छा आया हुआ है क्योंकि इतने बड़े बकरे जो रहते इसमें है जी, बफ खराब कर देते अपना घस घस के। नहीं नहीं नहीं, तो काफी अच्छा मेंटेन रखा है आपने बकरा। ये 110 किलो पे दांत में कितने? ये भी 8 दांत पे। 8 दांत पे, हाँ 8 दांत। ठीक है, तो अभी तीसरा चौथा बकरा देखते हैं आपका। हाँ जी, इसका क्या नाम है? इसका भाई क्राउन नाम रखा है। क्राउन, क्राउन ताज होता है ना जी, जी। तो क्राउन क्या वजह से रखा है आपने? क्राउन क्या वजह से रखा है आपने क्राउन नाम भाई? उसकी लगा अपने को रखने का, अभी क्या आया दिल में तो रख दिए जी। क्राउन काफी खूबसूरत बकरा है। अभी ताज है, ताज जी। अभी अपन ताज तो नॉर्मल हो गया हिंदी में, तो अपन सोचे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके ओके, तो उसके लिए उसको नाम अपन ने क्राउन रख दिए। क्राउन रख दिए, हाँ। क्या डिटेल पे? और ये है भाई 90-95 रहेगा भाई बकरा जी। 90-95 ये भी 8 दांत पे है जी, और करीब 37-38 हाइट है इसकी। कॉम्पैक्ट है मगर जो उसकी पेटी वगैरह है ना माशाल्लाह काफी अच्छी है, और सीना वगैरह बहुत अच्छा है। अच्छा है, और गर्म गर्म गला पट्टी में। बात ये है कि बकरे गर्म है आपके? हाँ सब गर्म बकरे। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि भराई करने के बाद बकरा ठंडा हो जाता है, जरा सुस्त हो जाता है। और अपने बकरों को दूध भी रहता। अच्छा, दूध वगैरह पिलाते? हाँ दूध रहता, और दूध तो भाई अभी समय नहीं मिला अपने को, नहीं तो अपने कुमार को उसकी भी वीडियो निकालने लगाते थे जी जी। जैसा अपना बच्चे को पहला दे दे तो कैसा वो पी लेता है, पी लेता वैसा इसको पिलाने की बोतल बीटल की कोई बकरे को जरूरत नहीं है जी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप मुंह से पी लेते। और मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने ये बकरा तैयार किया है उनको ये बकरे नहीं मार रहे? नहीं नहीं, काफी फ्रेंडली हो गए उनके साथ। हाँ, तो फिर भाई रात दिन उन लोग अभी उनके साथ में रहते जी, दो दो चार चार घंटा बकरे के साथ। ये भाई का नाम नहीं बताया आपने? अनुसया। अनुसया, हाँ अनुसया नाम है जी जी। हाँ तो ये भाई, ये भाई ने तैयार किया ये बकरा। हाँ किसका है वो? अगले बकरे की बात करते हैं अभी आपके। ये भाई का नाम क्या है पहले? ये अपना शाकिब मास्टर। शाकिब मास्टर, मास्टर आदमी है ये, उम्र में बकरा भरता जी, तो मेरे हिसाब से मास्टर ही बोला जाएगा जी, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर देखते बकरों के पास जाने को भी डरते, तो ये बच्चा है जो है आराम से। बकरा भी देखो कैसा उसके साथ में खड़ा है, गर्म है, इतना बकरा चिल्ला पुकार है। मेरे हिसाब में सब में गर्म तो यही बकरा लगा। हाँ यही, क्योंकि इसके लिए बोला ना मास्टर है। हाँ ये मास्टर है भाई। हाँ इसके लिए इसका नाम मास्टर बोला ना जी जी जी, साकिब मास्टर। ये बकरा तो अनाज कम लेता होगा ना, क्योंकि ये बकरे की फ्रेम है वैसी तो अच्छी नहीं। बकरे को सब अनाज उतना चाहिए, उतना ही लेता है, क्योंकि ये बकरे जो है अपने पास आके 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, एक महीना अपन रेस्ट देते हैं जी, तो अब ये हार्डली 1-1.5 महीने से बकरे भर रहे अपन। ओके, हाँ यानी कि रमजान के बाद में स्टार्ट किया आपने? रमजान के बाद में स्टार्ट हुआ जी, रमजान के बाद में चालू। तो ये दूध जो आप पिलाने की बात कर रहे हैं, हाँ ये सारे बकरों को पिलाते हैं? हाँ भाई हाँ। तो जैसे एक अंदाजन एक बकरा कितना दूध पी लेता है? 1 लीटर। 1 लीटर कंपलसरी? हाँ जी। तो उसको जबरदस्ती नहीं करानी पड़ती? नहीं नहीं नहीं, पी लेते जी। इसकी क्या डिटेल है भाई? ये भी भाई है अपना समझो 90 के आसपास में है। 90 के आसपास है, काफी गर्म बकरा है। काफी गर्म जी, और पूरा व्हाइट में है ये। हाँ, पीछे वो थोड़ा सा गर्म होने की वजह से थोड़ा पीला पड़ गया। बकरे बकरों के बाजू में रहता, बुदबुदाता, पेशाब करता बहुत ज्यादा, तो उसके वजह से थोड़ा लाल है जी। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह पहला बकरा रहेगा अपना जो इतना लाल है, नहीं तो बकरे में दाग नहीं रहते, बाकी बकरे भी आप देख सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बकरे होने के बावजूद भी काफी साफ रखे आपने बकरे। तो ये बकरा दांत कितने किया बोले आपने? ये भी 8 दांत। हाइट कितनी है इसकी? इसकी भी रहेंगी 37-38 जी। 38 तो नहीं बोलेंगे, 37 ही पकड़ेंगे, क्योंकि 37 मुझे लग रहा है कि 37 होंगी। हाँ हाँ ठीक है, अगला बकरा दिखाते हैं अभी आपका। हाँ, और ये है हमारे इलियास भाई। इलियास भाई उर्फ यानी इनका भाई वैसे तो मुबीन है जी, हम मोहब्बत से इनको इलियास भाई बुलाते। इलियास भाई? अच्छा इलियास भाई। हाँ इलियास भाई। क्या वजह से बुलाते? जैसे कि मैं अपने इसके अब्बा जो अपने दोस्त थे जी, तो ये अपने साथ में रहता तो उसके अब्बा के नाम से उसको जरा अपन मोहब्बत से बोलते इलियास भाई। अच्छा मोहब्बत से बोलते, चिढ़ाते नहीं आप? हाँ नहीं चिढ़ाते, बच्चे अपने कैसे चिढ़ेंगे भाई जी। तो ये बकरा भाई ने तैयार किए, तो भाई ये थोड़ा सा दीजिए उनको मेरा माइक। हाँ हेलो हेलो, बात करो भाई। ये बकरा आपने तैयार किए तो कुछ दिक्कत वगैरह आई क्या ऐसा कुछ भरने में? नहीं आई कुछ नहीं। तो वो तो आपको साथ देता है जैसे कि आप भरने बैठते? हाँ कुछ परेशानी नहीं होती ना? नहीं। ठीक है दे दीजिए भाई को, दीजिए फोन माइक दे दीजिए। हाँ भाई ये बकरा हंसा ब्रीड में कोटा में? ये हंसा है, रेड स्किन में। रेड स्किन में? हाँ रेड स्किन में हंसा है।
जी मार्बल सिंह है, मार्बल खुर है, रेड स्किन में। ये भी काफी खूबसूरत है, फरी है। हाँ, फेरी टाइप में फरीनेस अच्छा है इसको। हाँ, हाँ। पेट पे, पीछे झाप पे। इसका नाम आपने जैक स्पैरो रखा है। जैक स्पैरो नाम रखा है। हाँ, जैक स्पैरो। ये हंसा ब्रीड में काफी खूबसूरत है, प्रोवाइड में है जी। भाई क्या डिटेल में बोले ये, आपने वेट कितना है भाई? ये भी रहेगा 90-95 किलो। 90-95 किलो होगा। हाँ। इसका वेट और हाइट कितनी रहेंगे भाई? भाई ये भी 37-38 है। 37-38 हाइट। हाँ। है इसकी। एग्रेसिव है? है भाई, है। खेलता है। विलता अच्छा खेलता है। हाँ। और ये रनिंग वगैरह काफी अच्छी की है इसने, स्लो मोशन में। हाँ हाँ, काफी अच्छी वीडियो दी इसने। तो ये इसका भी पर्सनल बताएंगे आप ना? हाँ, सब सब सबका पर्सनल ही बताने वाले। ये देखो ये है इधर। अरे आ जा। ये एक लड़का है मेरा बड़ा जी, अल्लाह बख्श नाम है इसका। अल्लाह अस्सलाम। हाँ जी, तो इन्होंने कौन सा बकरा तैयार किया? ये समझो सभी तैयार करी। अच्छा, क्योंकि ये अपना देखते रहते ऊपर ऊपर। अच्छा, सब पे सब पे ध्यान देने का काम इनका जी। वो तो ये आपके फार्म के मैनेजर टाइप ऐसा? नहीं, मैनेजर नहीं, ओनर ही। ओनर टाइप है, छोटे ओनर है ये। अब बड़े है ये भाई। और वो एक है उमेर जी, उनको तो दिखा दिया हमने लास्ट टाइम, पकड़ा पकड़े थे उन्होंने जलेबी। हाँ, तो उनको तो दिखा दिए। ठीक है, अभी आपके अगले बकरे देखते हैं अभी। हाँ, आ जा। अभी भाई आगे मेरा लड़का भी बात करेंगे जी, तो दे साथ में देता हूँ भाई। दे दीजिए भाई, आगे वो बोलिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली इसका नाम है बाबू भाई नाम रखे आपने इसका, क्योंकि ये बहुत एड़े चाले करता इसके लिए बाबू भाई नाम रखे जी। सिक्के वगैरह इंटेक्ट है ना इसके? सिक्के एकदम इंटेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जी। खाली इसका जो कैप रहता है ना, कैप जी जी, वो कैप निकले ले, बाकी अच्छा। सब ओके जी, थोड़ा सा कैप निकला हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है बाकी कुछ, इतना ये नहीं है वो नहीं। दिखने में बकरा माशाल्लाह बहुत गर्म है एकदम जी। और सब बकरों में से ये थोड़ा अलग रूप दिख रहा है इसका? अलग है इसका बहुत, इसका स्ट्रक्चर विक्चर सब बकरों से अलग है। अलग है, बड़ा बकरा है ये, बड़ा बकरा। और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा आया हुआ है इसका जी। भाई क्या डिटेल में हो बकरा ये? भाई इसकी हाइट होगी 40 के आसपास रहेंगे इंशाल्लाह, 39-40 पकड़ो जी जी। और ये 100 के आसपास होएगा इंशाल्लाह, 100 प्लस ही होएगा जी। नहीं मुझे वो तो उतना लग रहा ही है आप जो बोल रहे हो उतना जी। और ये भराई पे है ना? ये भी भराई पे। हां, ये भी यही भरते। अच्छा, ये भाई भरते क्या? भाई का नाम क्या बोले? शाहिद भाई को दीजिए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाहिद भाई, ये बकरा आपने कभी स्टार्ट किया भरने का? इसको भाई अभी एक 2 महीने हो गए भाई। 2 महीने हो गए भरे करके ये जी। तो क्या क्या भरते इसको आप? इसको हम 1 किलो चना भरते भाई जी, सरगी भरते जी, और पत्ता है इसको 2 किलो। अच्छा, पत्ता वगैरह सब मिला के, और दूध भी पिलाते हैं आप ना? और 1 लीटर दूध है इसको डेली। तो ये सब जो आप भरने की बात कर रहे हैं, ये एक ही वक्त में भरते हैं आप? जैसे कि आप भाई कभी स्टार्ट करते हैं आप ये? अभी हम शाम को 4 बजे चालू करते जी, तो पहले इसको चना खिलाते जी, फिर एक 10-5 मिनट रुक के सरकी खिलाते जी, फिर थोड़ा बकरे को रेस्ट देते 5-10 मिनट जी, फिर उसको पत्ता भरते, पत्ता भरने को 1.5 घंटा जाता जी, फिर एक फिर तो बाद में आराम से। कितना वक्त लगता है जैसे कि आप चना भरते हैं, पत्ते भरते हैं, सरकी भरते हैं, दूध पिलाते हैं? 3 घंटे पकड़ो भाई, 3 घंटे जाते आपके। जैसे कि आप 4 बजे स्टार्ट करते हैं, 7-8 बजे जाते होंगे आपको, है ना? फिर उतना करने के बाद फिर दूसरे दिन वही ऑफिस से रूटीन? भाई डेली रूटीन वही है। ठीक है, भाई को दीजिए माइक। इसका भी पर्सनल में बताने वाले हो आप, क्योंकि काफी अच्छी चीज है आपकी। जितने बकरे दिखाए ना सबका पर्सनल में प्राइस बताएंगे, सबको पर्सनल में बताने वाले हो। हाँ। इसका वेट आपने बोले 100 के ऊपर है, और हाइट 39-40 हाइट होंगी इसकी जी। काफी बड़े फ्रेम का बकरा है माशाल्लाह, कोटा ब्रीड में ना। हाँ ठीक है, अभी आपका अगला बकरा देखते हैं। अभी ये आखिरी बकरा है और हमारे साथ है मोहम्मद अल्लाह बख्श भाई। हाँ, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई आपके साथ में कौन है? भाई ये हमारे भाई है। अच्छा, इस्माइल भाई। अस्सलामुअलैकुम जी। ये बकरा भरे पे या सेल्फ फीडिंग पे? ये सेल्फ फीडिंग पे भाई। सेल्फ फीडिंग पे बकरा ये जी। और ये कलर पैटर्न काफ़ी अच्छा है, ये कोटा ब्रीड में है ना? हाँ, कोटा ब्रीड में भाई। ये कब से आपके पास? ये अभी अपने को इसको हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने इसको भी हो गए। वो तो सारे बकरे अलहमदुल्ला 6-7 महीने से है तकरीबन। क्या और सब वैक्सीनेटेड है? हाँ, वैक्सीन किया सबको? हाँ, सबको वैक्सीन। पीपीआर वगैरह सब हो गया भाई। ठीक है, सारे वैक्सीन हो चुके हैं, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है। तो कैसे वैक्सीन होना
थोड़ा बेहतर रहता है ना। बकरे आपने सेट है ना सर? जी जी सारे सेट बकरे हो गए अपने, कुछ 6-7 महीने तो फिर जी कोई तकलीफ नहीं है उसकी। क्या डिटेल पे बकरा है ये? बकरे की नाइन है देखो 39-40 के चले गए, बट 39 पकड़ के चलो, 39 पकड़ेंगे। हाँ जी। और इसका वेट है कुछ 70-75 वेट है। हाँ जी। तो ये सेल्फ फीडिंग पे बोल रहे हैं आप? हाँ, ये मुँह से खा लेता है ना? मुँह से खा लेता है। तो दूध वगैरह भी पिलाते इसको? नहीं, कभी कभी पिलाते, कभी कभी नहीं पिलाते, कभी कभी पिलाते है। हाँ। ये सारे बकरे दिखा के हो गए आपके? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेल्फ फीडिंग पे है, और एक जो हमने हंसा दिखा है वो एक सेल्फ फीडिंग पे था, बाकी सारे आपके भराई पे बकरे है ना। तो ये सारे बकरे अगर किसी को देखने तो कहाँ पर आना होगा? ऊना में भाई, घोरपड़ी गाँव है जी, वहाँ के अपने को फोन करनी है, भारत पोस्ट कंपनी के पास में अपना घर है जी, तो वहाँ पे देखने मिल जाएंगे, देखने मिल जाएंगे। तो जैसे कि अगर कोई हमारे व्यूअर है वो आपको कॉल करते हैं कि ये बकरे की हमें डिटेल चाहिए, तो मिल जाएंगी? मिल जाएंगी सारी, व्हाट्सएप पे के थ्रू सब मिल जाएंगे ना वीडियो जी। थोड़ा सा माइक ले लीजिए, आपका नंबर शेयर कीजिए। 7030-33-239-08। और एक हमारे एक लड़के का नंबर है जी, कभी महीने अवेलेबल रहेगा तो इसका नंबर भी है। भाई आपका नंबर बताइए। 8999 जी, 71 जी, 24 जी, 37 जी। तो अगर किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, बकरा लेना होगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैं नंबर आपका स्क्रीन पर दे दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। दोस्तों अभी हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे बकरे आपको बताए, काफ़ी सारे आपको बकरे यहाँ पर देखने मिले। 8 बकरे हमने दिखाए, इसमें 6 बकरे भरे पर है और 2 बकरे सेल्फ फीडिंग पे। अगर इन खूबसूरत बकरों से अगर आपको कोई बकरा लेना है तो ज़रूर मोहम्मद इरफान भाई को कांटेक्ट करें, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ऐसे ही गोट के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो देखनी है तो ज़रूर हमारे चैनल वाइकी गोट लवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।